स्वागत है प्रिय छात्रों, आपका बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का इलेक्टिव कोर्स इलेक्ट एग्रॉन 311 कृषि कचरे का प्रबंधन, इसका आप सिलेबस देखें। सिलेबस में ये टॉपिक है कि कृषि कचरे का प्रभाव, ये टॉपिक तीन भाग में दिया गया है। कृषि कचरे का वातावरण के ऊपर प्रभाव, कृषि कचरे का मिट्टी के ऊपर प्रभाव और कृषि कचरे का पौधों के ऊपर प्रभाव। आज हम ये छठा लेक्चर आपको दे रहे हैं कृषि कचरे का पौधे के ऊपर प्रभाव, कृषि कचरे का मिट्टी के ऊपर प्रभाव और कृषि कचरे का वातावरण के ऊपर प्रभाव। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप हमारे पहले के दो लेक्चर्स में देखेंगे कि हमने इसके ऊपर चर्चा की है कि कृषि कचरे का पौधे पे क्या, कृषि कचरे का वातावरण पे क्या प्रभाव है, मिट्टी पे क्या प्रभाव है। आज हम पौधे के प्रभाव की चर्चा करेंगे। हालांकि इस बीच हमने आपको ये भी बताया कि कृषि कचरे का विघटन कैसे किया जाता है और विघटन करके कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। अब इस कंपोस्ट का खेत में इस्तेमाल किया जाता है, इस कंपोस्ट का खेत में इस्तेमाल करने से इसका प्रभाव मिट्टी पे भी पड़ता है और इसका प्रभाव पौधों पर भी पड़ता है। इसके मिट्टी के प्रभाव की चर्चा हम कर चुके हैं। ये जो तीनों चीजें हैं, मिट्टी पे प्रभाव, वातावरण पे प्रभाव और पौधों पे प्रभाव, इसको अगर आप ध्यान से समझें तो आप पाएंगे ये सब आपस में संबंधित है। मिट्टी पे प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर है पौधों पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, पौधों वातावरण पे प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर है पौधों पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज हम इस लेक्चर में हम इन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। फेट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, जो फसल अवशेष हमको प्राप्त होते हैं वो कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में उपयोग होते हैं, यह चर्चा एक प्रकार से ये पुनरावृत्ति है क्योंकि यहाँ इसकी चर्चा हमने पहले भी की। लेकिन यहाँ पर ये चर्चा करने का संबंध ये है कि आपको ये बता सकें कि कृषि कचरे के प्रबंधन के दौरान कृषि कचरे का कौन सा भाग सीधे पौधों के संपर्क में आता है, या कृषि कचरे का प्रबंधन करके जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो हमारे कृषि में ही वापस इस्तेमाल होता है तो जाहिर है वो पौधों के संपर्क में आता है, यानी उसका पौधे के ऊपर प्रभाव है, वो हमें चर्चा करनी है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इनटू सॉइल, यानी जो फसल अवशेष है उसका मिट्टी में उसको मिला दिया जाना, ये इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। ये क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका पौधे पे क्या प्रभाव है, ये चर्चा होगी आज। ये जो कृषि कचरे का प्रबंधन हम करके कंपोस्ट बनाते हैं और इस कंपोस्ट को वापस खेत में डाल देते हैं, तो उसको खेत में कैसे डालते हैं, उसका जो है फसल के ऊपर क्या प्रभाव है, उसकी चर्चा आज होगी। ये कंपोस्ट दो प्रकार के, गुड क्वालिटी और पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी मतलब अगर आपका जजमेंट ठीक नहीं है, आप ढंग से तय नहीं कर पाए कि कंपोस्ट अच्छे से बन गया कि नहीं बना और आपने इस्तेमाल कर दिया तो वो पुअर क्वालिटी कंपोस्ट है, उसका पौधों के ऊपर हानिकारक प्रभाव है। अगर हमारा कंपोस्ट बहुत अच्छे से बन गया है और फिर हम उसको खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका पौधों के ऊपर अच्छा प्रभाव है। तो कैसे पता चले कि हमारा कंपोस्ट ठीक से बन गया या नहीं बना, उसके ऊपर चर्चा होगी। और उसका अच्छे कंपोस्ट का और ख़राब कंपोस्ट का, यानी जो ठीक से बना हुआ नहीं है कंपोस्ट, उसका हमारे खेत पे क्या प्रभाव है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। कृषि कचरे का एक प्रबंधन या फसल अवशेष का एक प्रबंधन अगर हम सड़ाते नहीं हैं तो दूसरा प्रबंधन है उसको हम मल्च के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कृषि कचरे का मल्च के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसका पौधों के ऊपर क्या प्रभाव है। तो ये है फेट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, यानी जो हमारा फसल अवशेष है ये कहाँ कहाँ जा सकता है। तो फसल अवशेष अगर इसका अच्छा प्रबंधन नहीं किया जाए तो ये जला दिया जाता है या कहीं खुले खेत में या खुले सड़क के किनारे वगैरह कहीं डंप कर दिया जाता है। जलाने का नुकसान और ओपन यार्ड डंपिंग का नुकसान, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद अगर इसका समुचित प्रबंधन किया जाता है तो इसका प्रबंधन दो तरह से हो सकता है, एक ऑन फार्म मैनेजमेंट होता है, एक ऑफ फार्म मैनेजमेंट होता है। ऑन फार्म जो फार्म के ऊपर ही कृषि कचरे का प्रबंधन हो रहा है, यानी जहाँ ये पैदा हुआ खेत में जो फसल अवशेष पैदा हुआ उसका उस खेत पे ही वहीं प्रबंधन कर देना है, उसे खेत से बाहर लेके आना नहीं। तो जब उसका वहीं उसी खेत पर प्रबंधन कर रहे हैं तो ये दो तरीके से कर सकते हैं,
या तो इसको हम वहीं तुरंत मिट्टी में ही मिला दें, या हम उसको वहीं मिट्टी में दूसरी फसल के ऊपर मल्चिंग के तौर पर, आच्छादन के तौर पर उसका उपयोग कर सकें, पलवार के रूप में, आच्छादन नहीं, पलवार के रूप में, मल्चिंग मतलब पलवार, तब पलवार के रूप में उसका प्रयोग कर सकें। ऑफ फार्म मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो कृषि कचरा जिस फार्म पे है, जिस खेत पर उत्पादित हुआ है, उस खेत से उसको इकट्ठा करके बाहर ले लिया गया, अब बाहर इसका प्रबंधन करना है। अब बाहर इसका प्रबंधन दो तरह से हो सकता है, एक तो इसका प्रबंधन उन तरीकों में होता है जहाँ पर यह वापस खेत में नहीं जा रहा है, जैसे कि हम इसका ईंधन के रूप में इसको हम जलाने में इस्तेमाल करते हैं, या हम इससे बायोगैस बना करके उस बायोगैस का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि इस प्रकार का इस्तेमाल वापस खेत में नहीं जा रहा है, वापस पौधों के सीधे संपर्क में नहीं आ रहा है, तो उसका पौधों के ऊपर प्रभाव का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर हमको लगती नहीं है। एनिमल फीड, जैसे हम कृषि कचरा हमारा जो खेत में उत्पादित हुआ, खेत से हम बाहर ले आए, हमने डेयरी में अपने जानवरों को खाने के लिए डाल दिया, तो वो कचरा खेत में वापस नहीं आ रहा है, तो एनिमल फीड का जो यूज़ है कृषि एग्रीकल्चर वेस्ट का, उसका हम क्या यहाँ पे चर्चा करेंगे। कंपोस्टिंग अगर हम करते हैं, यानी हम कृषि कचरा ऑफ फार्म बाहर ले जा करके उसको हम कंपोस्ट में बदल के उस कंपोस्ट को हम वापस खेत में डालते हैं, तो वो फिर पौधे के संपर्क में आता है, उसका हमारा पौधे पे क्या प्रभाव है उसके अध्ययन में करना है। इनकॉर्पोरेशन इनटू द सॉइल, जो हम कृषि कचरा या फसल अवशेष खेत में ही वापस वहीं मिट्टी में मिला देते हैं, उसकी भी मिट्टी में वहीं पर कंपोस्टिंग होती है, तो उसका जो प्रभाव मिट्टी के ऊपर या पौधों के ऊपर पड़ने वाला है, हम जब इसको खेत के बाहर ला के कंपोस्टिंग करके वहाँ उसको मिट्टी में फिर वापस मिलाते हैं, इसका जो खेत के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, ये दोनों बराबर है, दोनों एक ही बात है ना, प्रभाव तो कंपोस्ट का है। अब कंपोस्ट वहीं खेत में मिट्टी में बनाए या बाहर ला जाके बना के वापस मिट्टी में लाए, वो एक प्रक्रिया में अंतर आ गया है, लेकिन है तो दोनों कंपोस्ट ही ना। तो एक तरीका ये है इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इनटू सॉइल, फसल अवशेष को मिट्टी में वहीं तुरंत मिला देना। यह प्रक्रिया जाहिर है हमको एक इसके लिए कृषि यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्रैक्टर संचालित कृषि यंत्र से फसल काटने के बाद अवशेष को तुरंत वहीं पर खोद के मिट्टी में मिला देते हैं। आप हमारा पुराना यूनिट 2 का लेक्चर याद कीजिए, जो हम आपको दे चुके हैं, ऑलरेडी दे चुके हैं, एरोबिक डिकम्पोजिशन, जो हवा की उपस्थिति में कृषि कचरे का विघटन होता है, उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तो यह विघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, और इस विघटन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन चाहिए जो कि हवा से प्राप्त होती है, इसके अलावा वहाँ पे नमी होनी चाहिए ताकि नमी में सूक्ष्म जीवों की क्रिया तेज हो। तो अब देखिए, ये जब हमने फसल काट करके यहाँ से हटा दी, हार्वेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई, इस समय कृषि कचरा पूरा सूखा हुआ कृषि कचरा है, खेत भी सूखा हुआ है, हमने कृषि यंत्र की सहायता से पूरा कृषि कचरा, पूरा फसल अवशेष मिट्टी में वापस मिला दिया। तो फसल अवशेष मिट्टी में मिल गया, अगर ये ऊपर ही मिट्टी के पड़ा रहता तो ऑक्सीजन तो है लेकिन सूक्ष्म जीव नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो मिट्टी में है। जब ये मिट्टी में मिल गया तो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आ गया, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने के लिए, खाने पचाने के लिए तुरंत वहाँ भोजन प्राप्त हो गया, तो वो इसका विघटन साल शुरू करेंगे। चूँकि हमने इसको मिट्टी में मिलाने के लिए पूरा खेत की जुताई कर दी, मिट्टी हमारी भुरभुरी हो गई, तो ऑक्सीजन का या हवा का मिट्टी में प्रवेश बहुत समुचित हो गया, और वहाँ पर सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए हवा भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो गई, समस्या केवल नमी की है। तो इस प्रकार से ये जुताई करके कृषि कचरे का या फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाने के बाद एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि वहाँ खेत में नमी भी हो जाए। तो अब नमी भी हो गई, सूक्ष्म जीव भी है, ऑक्सीजन भी है, और सबस्ट्रेट भी है, इसको हम कृषि कचरे को उस सूक्ष्म जीव के लिए सबस्ट्रेट बोलते हैं, उनके लिए कच्चा माल है, इस कच्चे माल के ऊपर वो प्रक्रिया करेंगे। तो अब ये वही कंपोस्टिंग प्रोसेस जो हमने आपको पिछले बार एरोबिक कंपोजिशन में बताया था, अगर हम इस कृषि कचरे को लेके खेत से बाहर आ जाएं और बाहर हम इसका हीप बना के कंपोस्टिंग करें और इस कंपोस्ट को खेत में लाएं, यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी, और इसके में ही खेत में भी वही प्रक्रिया होती है,
अब ये प्रक्रिया होने में कुछ समय लगता है, खेत में कम से कम 21 दिन या 14 दिन या एक महीना लग जाता है, फसल के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन गेहूं और धान अगर कचरा है तो 21 दिन कम से कम लगते ही हैं। तो इस प्रकार का प्रबंधन तब करना चाहिए जब हमारे पास 21 दिन का समय है। आज हम अगर इसकी खेत की जुताई कर देते हैं फसल की कटाई के बाद, तो हम 21 दिन के बाद फसल बो सकते हैं। अगर हमने तुरंत फसल बो दी तो ये कृषि कचरा, ये फसल अवशेष अभी मिट्टी के अंदर पूरी तरह से सड़ा नहीं होगा और जो नई फसल है उसके ऊपर इसके बुरे प्रभाव पड़ेंगे। तो कुल मिला के खेत के अंदर वहीं पर जो कंपोस्ट बन रहा है वो, और खेत के बाहर ले जाके हम कंपोस्ट बना के खेत में ला के डाल लें, दोनों का प्रभाव बराबर है। तो इसका क्या प्रभाव है मिट्टी के ऊपर? इसका प्रभाव हमने चर्चा की थी कि मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी के भौतिक गुण और मिट्टी के जैव रासायनिक गुण भी बढ़ते हैं। पानी का मिट्टी में अंतःसरण इनफिल्ट्रेशन ये भी अच्छा हो जाता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो जब मिट्टी में सूक्ष्म जीव हो गए, मिट्टी के भौतिक गुण बढ़ गए, तो जाहिर है इसका फसल हमारी फसल इसका प्रभाव हमारे फसल पे पड़ेगा। तो इसका हमारी फसल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इम्प्रूव्ड प्लांट ग्रोथ, हमको अच्छी फसल की वृद्धि मिलेगी और हमें अच्छे से अगले सीजन के लिए स्वस्थ पौधे हमारे खेत में होंगे। यही सारा एडवांटेज अगर हम बाहर कहीं कंपोस्ट बना के वापस खेत में डालते हैं तो वो हमें होता है। कार्बनिक तत्वों की मात्रा खेत में बढ़ती है, सूक्ष्म जीवों की मात्रा खेत में बढ़ती है, प्लांट न्यूट्रिएंट इन स्टेबल ऑर्गेनिक फार्म हमको मिलता है। स्टेबल ऑर्गेनिक फार्म का मतलब हुआ कि पौधे जो न्यूट्रिएंट हमको इस कंपोस्ट के अंदर मिलता है, पोषक तत्व जो मिलते हैं वो इमोबिलाइज्ड हैं, यानी कि सरल जैविक फॉर्म में है, माइक्रोबियल फॉर्म में है, लेकिन ये बहुत जल्दी मिनरलाइज होकर के पौधों को मिल जाते हैं। तो ये इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन ये प्रक्रिया होती है जो हम आपको बता चुके हैं। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होता है। इससे क्या हो जाता है कि मिट्टी में जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। मिट्टी के से जड़ें, पौधों की जड़ें मिट्टी से पोषक तत्व और पानी अच्छे से ग्रहण कर सकती हैं। मिट्टी में पोषक तत्व समुचित मात्रा में पहुंच जाते हैं, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो कुल मिला जुला के हमको वापस अंत में क्या मिलता है? हमको अच्छे पौधों की वृद्धि मिलती है, पौधों में अच्छी वृद्धि मिलती है और अच्छे स्वस्थ के पौधे हमको मिलते हैं। तो ये प्रक्रिया, हमको ये फायदा कंपोस्ट इस्तेमाल खेत में करने का, यानी जो कचरे का प्रबंधन हम खेत में करते हैं या जो कंपोस्टिंग के तहत, यानी हम एरोबिक डिकम्पोजिशन करके हम कंपोस्ट में बदल देते हैं कृषि कचरे को और उसका हम खेत में प्रयोग करते हैं, तो उसका ये फायदा हमको खेत में मिलता है। उसका पौधों के ऊपर ये प्रभाव है कि अच्छी वृद्धि पौधों में मिलती है और पौधों पर अच्छी हेल्थ मिलती है। इसको आगे हम अभी चर्चा फिर से करने वाले हैं। अब ये कंपोस्ट को जरा समझ लें। कृषि कचरे को हमने खेत से बाहर लाके हमें कंपोस्टिंग करनी है और वापस ये कंपोस्ट खेत में डालना है। अभी ये कंपोस्टिंग प्रक्रिया अगर पूरी हो गई और हमें एक पूरी तरह से सड़ा हुआ कंपोस्ट मिलता है तो ये खेत को फायदा करता है। कंपोस्टिंग प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई हुई है, अभी चल ही रही है, हम जज नहीं कर पाए। हमको लगा बन गया कंपोस्ट और हमने खेत में डाल दिया, जबकि वास्तव में वो अभी पूरी तरह से नहीं बना था, तो फसल के ऊपर हानिकारक प्रभाव। तो अभी देखिए यहाँ जो दो फोटो दिख रही है, ये पहली फोटो में जो कंपोस्ट हमारे पास है ये पार्शियली रॉटन यानी अधसड़ा कचरा है। अधसड़ा कचरा पूरी तरह से अभी कंपोस्ट नहीं बना है। यह कचरा अगर खेत में डाला गया, ये कंपोस्ट खेत में डाला गया तो हमें नुकसान करेगा। दूसरी फोटो में ये पूरी तरह से सड़ करके हमारे को एक अच्छे क्वालिटी का कंपोस्ट मिला है, इसको अगर खेत में डाला गया तो ये फायदा करेगा। अब इसको कैसे पता लगाएं? तो देखिए इसका पता ऐसे लगता है कि सबसे पहले तो देख करके कलर से पता, इसका रंग से पता चलता है, दूसरा छू करके अनुभव से पता चलता है। तो इसका पता कैसे लगाएं कि अगर हमने कृषि कचरे को कंपोस्ट में बदलने के लिए जगह हम इसका प्रबंधन कर रहे हैं तो अभी हमारा कंपोस्ट पूरी तरह से तैयार हुआ कि नहीं, या अभी कुछ रह गया है? अगर कुछ रह गया है पूरी तरह से तैयार होने पर और ऐसे कंपोस्ट का हम खेत में प्रयोग कर देंगे तो हम नुकसान में रहेंगे, तो नहीं करना चाहिए। तो पता कैसे लगाएं? रंग से पता लगाएं। पूरी तरह से सड़े हुए कंपोस्ट काले रंग का होता है,
या फिर बहुत गाढ़े भूरे रंग का होता है, निर्भर करता है किस पदार्थ से बनाया गया है, और मुख्य रूप से काले रंग का होता है। आधा सड़ा हुआ कंपोस्ट भूरे रंग का होता है, हल्के लाल रंग का या हल्का भूरे रंग का होता है। पूरे सड़े हुआ कंपोस्ट एकदम दानेदार होता है, आधा सड़ा हुआ कंपोस्ट इसमें ढीले ढीले भी रहते हैं। आधे सड़े हुए कंपोस्ट को अगर आप हाथ में लेंगे, दबाएंगे तो आपका हाथ नम हो जाएगा, आपके हाथ पर चिपकेगा, पूरे सड़े हुए कंपोस्ट से नमी गायब हो जाती है। ये सूखा आपके हाथ में लेके दबाएंगे पानी नहीं निकलेगा, और इसको झाड़ देंगे हाथ से झड़ जाएगा। आधे सड़े हुए कंपोस्ट को अगर स्मेल करेंगे, इसको सूंघने की कोशिश करेंगे तो इसमें से बदबू आती है, लेकिन पूरे सड़े हुए कंपोस्ट को अगर सूंघेंगे तो मिट्टी जैसी ही महक आएगी, वो मिट्टी लगेगा आपको। आधा सड़ा हुआ कंपोस्ट ये गर्म भी लगता है चूल्हे में, या इसको पलटेंगे तो नीचे अंदर से जो नीचे से भाग निकलेगा वो कुछ गर्म होगा, पूरे सड़े हुए कंपोस्ट में से गर्मी नहीं आएगी। ये सब मैं आपको कुछ टिप्स ऐसी बता रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा, यहाँ टिप्स हमने दी होंगी आगे, तो आपको पता चलेगा कि कंपोस्ट पूरी तरह से बन गया है कि नहीं बन गया है। लेकिन आखिर में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, ये आपके अनुभव के ऊपर आता है, ये सब टिप्स वगैरह इस्तेमाल करके, लेकिन जब आप इस प्रक्रिया को बार बार करेंगे ना, बार बार जज करेंगे, बार बार कंपोस्ट देखेंगे, तो आपको अनुभव हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कोई ऐसा टेस्ट, लैब टेस्ट नहीं है कि लैब में ला के टेस्ट कर लिया कि इसमें इतना परसेंट है, ये भाव हो गया था। ये तो छू करके, देख करके, अनुभव करके पता लगाने की चीज़ है। तो जब इस प्रक्रिया को आप ज़्यादा करेंगे तो एकदम अनुभव से किसानों को पता चल जाता है कि हाँ हमारा कंपोस्ट तैयार हो गया। तो गुड क्वालिटी कंपोस्ट जो होता है ये पूरी तरह से सड़ा हुआ कचरा है, आधा सड़ा कचरा गुड क्वालिटी कंपोस्ट नहीं, पुअर क्वालिटी कंपोस्ट होता है। तो गुड क्वालिटी कंपोस्ट पूरी तरह से सड़ा हुआ कचरा है, कोई इसमें फॉरेन मटेरियल इसमें नहीं है, कोई अन्य चीज़ों का टुकड़ा वगैरह इसमें नहीं मिलता है। इसके अंदर ट्रेस एलिमेंट यानी NPK तो होते ही हैं, इसके अलावा जो बाकी सेकेंडरी और टर्शरी एलिमेंट आपको पढ़ाए गए हैं वह भी इस कंपोस्ट में होते हैं। गुड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, एक बात हम और बताना चाहेंगे, जो आधा सड़ा हुआ कचरा है ये एसिडिक नेचर का होता है, ये अम्लीय है, तो ये खेत में डालने में इसीलिए नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो पूरी तरह से सड़ा हुआ कचरा है ये न्यूट्रल पीएच का होता है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, ये न्यूट्रल पीएच का है, ये हमारे को खेत में फ़ायदा करता है। तो गुड केमिकल करेक्टरिस्टिक होती है, इसके अंदर ह्यूमिक सब्सटेंस यानी जो कार्बनिक तत्व हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसका भौतिक गुण भी अच्छा होता है, हमने आपको बताया अभी यहाँ पर। भौतिक गुण मतलब देखिए, ये दानेदार एकदम पाउडर जैसा है, जबकि यहाँ पर ढेले 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 टाइप के टुकड़े टुकड़े में ये मिलता है जो अधसड़ा कचरा है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर नहीं होते हैं, और कोई ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स भी इसके अंदर, सूखे पत्ते या कुछ घास के टुकड़े इसके अंदर नहीं होने चाहिए। ये गुड क्वालिटी कंपोस्ट है, ये गुड क्वालिटी कंपोस्ट तैयार हो गया, इसका पता ऐसे लगाते हैं सूंघने पर। जो गुड क्वालिटी कंपोस्ट है वो मिट्टी जैसा ही महकता है, लेकिन जो अभी अधसड़ा कचरा है वो अमोनिया जैसा खट्टा गंदी महक उसमें से आती है। ये अमोनिया जैसी महक क्या होती है ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम? मुझे मालूम नहीं, आप सबको मालूम है, हो सकता है आप अभी समय निकाल ना कर पा रहे हो, अभी याद ना आ रहा हो आपको, तो आप इसके ऊपर सोचिए कि अमोनिया जैसी महक आप लोगों ने जीवन में कब और कहाँ अनुभव की थी, तो फिर इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अमोनिया जैसी महक कहाँ से आती है इसके ऊपर सोचिए, और इसके ऊपर जो हमारा अभी इंटरेक्शन होता है वेबिनार में उसको, उसमें इसके ऊपर चर्चा कीजिए मेरे से। ये इसके, इसको पलटने में इसके अंदर से कुछ गर्मी नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि आप एरोबिक डिकम्पोजिशन वाला हमारा लेक्चर याद कीजिए, जब सूक्ष्म जीव उसको पचा रहे होते हैं तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, तापमान भी छोड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो श्वास श्वसन कर रहे होते हैं, तो तापमान भी उसका उनका बढ़ता है। तो अगर यहाँ पर अभी हमारे पास पार्शियली डिकम्पोज्ड खाद है, तो जाहिर है जब हम पलट के देखेंगे अंदर के भाग में गर्मी ज़्यादा होगी, तो अगर ऐसा है तो मतलब अभी पूरी तरह से सड़ा नहीं है, गीला भी नहीं होना चाहिए, और ये ब्लैक रंग, काले रंग का होना चाहिए या फिर गहरे भूरे रंग का। और इसका CN रेशो, कार्बन नाइट्रोजन रेशो 10 से 15 carbon:1 होना चाहिए। अगर ये पूरी तरह से सड़ा नहीं है तो इसका CN रेशो 30:1 या 40:1 होता है।
धान के कचरे में धान की पुआली में सीएन रेशो 70:1 होता है। 70:1 का सीएन रेशो का मटर अगर आप खेत में डालेंगे तो उसका नुकसान आएगा फसल के ऊपर। तो ये पूरी तरह से सड़े हुए कंपोस्ट का पौधों के वृद्धि के ऊपर प्रभाव है। पूरी तरह से सड़ा हुआ कंपोस्ट गेहूं के ऊपर आप देखते हैं, पहली फोटो में हमको अच्छी गेहूं की वृद्धि दिख रही है और दूसरे जहां पे कंपोस्ट का प्रयोग नहीं किया गया है गेहूं की फसल में अच्छी वृद्धि नहीं दिख रही है। लोबिया के फसल आप देखिए, जहां पर अच्छे कंपोस्ट का प्रयोग किया गया है वहां लोबिया की फसल में अच्छी वृद्धि दिख रही है, लेकिन जहां कंपोस्ट का प्रयोग नहीं किया गया है लोबिया में भी अच्छी वृद्धि नहीं दिख रही है। चने में भी जिस खेत में कंपोस्ट का प्रयोग किया गया है फसल में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन जिस खेत में कंपोस्ट का प्रयोग नहीं किया गया है चने के खेत में अच्छी वृद्धि नहीं दिख रही है। सैफ्लावर जो कुसुम का पौधा होता है, कुसुम एक तिलहनी फसल है, यहाँ पर भी जिस खेत में कंपोस्ट का प्रयोग किया गया है उसमें स्वस्थ पौधा दिख रहा है, अच्छी वृद्धि दिख रही है। जिस खेत में कंपोस्ट का प्रयोग नहीं किया गया है वहाँ पौधे में अच्छी वृद्धि नहीं दिख रही है। तो ये पूरा प्रभाव है, अगर हमारे पास पूरी तरह से सड़ा हुआ कंपोस्ट है जिसका कि हम खेत में प्रयोग कर रहे हैं तो इसका पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कृषि कचरा, इसका अगर समुचित प्रबंधन कर लिया जाए तो इसका पौधों के ऊपर प्रभाव ये है कि हमें बीज से अच्छा जमाव प्राप्त होता है, पौधों में अच्छी ग्रोथ मिलती है, अच्छी वृद्धि पौधों की होती है, कीट का और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। अगले 3 पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी पौधों में वो नहीं मिलती है, पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि एक तो ये जो हमारे पास पूरी तरह सड़ा हुआ खाद है, कार्बनिक खाद है हमारे पास है, इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं ये स्लो रिलीज पोषक तत्व हैं, ये पौधों को धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं और मिलते रहते हैं, तो लंबे समय तक पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा इसमें एनपीके के अलावा, यानी जो प्रमुख पोषक तत्व हैं एनपीके, इसके अलावा जो सेकेंडरी और टर्शरी यानी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वह भी समुचित मात्रा में होते हैं और पौधों को उपलब्ध होते हैं। इसलिए ये कारण है कि अगर हम इस कार्बनिक खाद का खेत में प्रयोग करते हैं उसके बाद हम उस खेत में फसल लेते हैं तो उस फसल में हमको पोषक तत्वों की कमी के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम कार्बनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं और पूरी तरह से रासायनिक खाद पर निर्भर हैं तो रासायनिक खाद का प्रयोग करने से ये होता है कि जो रासायनिक खाद हैं वो शुरू में तो बहुत तेज़ी से पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध कराते हैं, बाद में पोषक तत्व उपलब्ध कराना बंद कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है पोषक तत्व, बहुत तेज़ी से लॉस हो जाता है पोषक तत्वों का। लेकिन कार्बनिक जो खाद है ये पोषक तत्व पौधों को लंबे समय तक धीरे धीरे करके देते रहते हैं। दूसरी समस्या ये है कि जब हम रासायनिक खादों के ऊपर निर्भर हैं तो हर पोषक तत्व की पूर्ति करने के लिए एक विशेष अकार्बनिक खाद उसके लिए आती है, विशेष रासायनिक खाद उसके लिए आती है। यूरिया के लिए नाइट्रोजन है, जैसे बोरॉन के लिए बोरेक्स है, इस तरह से विशेष खाद विशेष न्यूट्रिएंट को ही देती है, विशेष पोषक तत्व ही देती है। लेकिन ये कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जिसके अंदर मुख्य पोषक तत्व के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व भी समुचित मात्रा में मौजूद है। तो ये सब कारण है कि खेत में इस कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे इसके आगे जो पौधा हम उगा रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखते नहीं हैं, हमें पौधों में अच्छी वृद्धि दिखाई देती है और हमें स्वस्थ पौधे प्राप्त होते हैं, अच्छी उपज मिलती है, और जो हमें अच्छी उपज मिलती है ना उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, गुड क्वालिटी प्रोड्यूस हमको वहाँ मिलता है। अब बताइए क्या कंपोस्ट पौधों को मार भी सकता है? अभी तो हमने सब फायदा ही फायदा बता दिया कि बहुत फायदा है कंपोस्ट इस्तेमाल करने में, अब नुकसान भी है क्या? हम गुड क्वालिटी कंपोस्ट और पुअर क्वालिटी कंपोस्ट यानी उच्च गुणवत्ता की गोबर की खाद या उच्च गुणवत्ता की कंपोस्ट खाद और बेकार गुणवत्ता की कंपोस्ट खाद की बात कर रहे हैं। पार्शियली रॉटेन या पार्शियली डीकम्पोस्ड यानी पूरी तरह से तैयार नहीं किया हुआ डीकम्पोस्ट अगर खेत में, और ये गलती हो जाती है अगर हमारे को अनुभव नहीं है, हम ठीक से जज नहीं कर पाते हैं तो गलती हो जाती है,
और हमने पूरी तरह से तैयार ना किया हुआ खाद अगर हमने खेत में डाला तो हाँ ये पौधों को मार सकता है, तो ये पौधों को मार तो सकता है, वो क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो वैसे तो कंपोस्ट फायदे की चीज़ है, लेकिन अगर ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं है यानी कि पूरी तरह से सड़ा हुआ नहीं है तो ये पौधों को नुकसान पहुँचाता है। पहले पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पौधों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, पौधों को नुकसान पहुंचता है और पौधों को मार भी सकता है। तो होता क्या है, ये कंपोस्ट जिस समय अगर पूरी तरह से सड़ा हुआ नहीं है यानी कि अभी सड़ने की प्रक्रिया चल ही रही है, तो सड़ने की प्रक्रिया जब चल ही रही है और हमने उसे खेत में डाल दिया तो वो खेत की नाइट्रोजन भी इस्तेमाल कर लेता है, तो वो पौधों को नाइट्रोजन की कमी पड़ जाती है, खरपतवार खेत में बढ़ जाते हैं और खेतों में कीड़ों का और बीमारियों का प्रकोप भी हमारी अगली फसल पर बढ़ जाता है। तो जो हमारी अगली फसल है उनके पौधों को जड़ों की वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, क्यों, क्योंकि अभी सड़ने की प्रक्रिया चल ही रही, विघटन की प्रक्रिया चल ही रही है, हमने इसको मिट्टी में इस्तेमाल कर दिया। तो आपको पता है एरोबिक डिकम्पोजिशन, पिछला लेक्चर याद कीजिए, जो सूक्ष्म जीव इस विघटन की प्रक्रिया को कर रहे होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं। अभी सड़ने की प्रक्रिया चली रही है, हमने खेत में डाल दिया तो वो खेत की ऑक्सीजन ले लेगा। जो हमारी अगली फसल है उसको वृद्धि, उसके जड़ों की वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हमारे पौधों की वृद्धि धीमी हो जाएगी। CN रेशो, हमने भी आपको बताया कि कार्बन नाइट्रोजन रेशो 10:1 यानी 10:1 15:1 तक होना चाहिए। अगर ज़्यादा है, 30:1 से ज़्यादा है तो ये अधिक कार्बन दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता घटा देंगे और पौधों को दूसरे पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे। कार्बन रेशो ज़्यादा है तो उसमें एसिड भी, देखिए फिर से याद कीजिए, कार्बन रेशो अगर ज़्यादा है, अध सड़ा कचरा यानी अध सड़ा कंपोस्ट अगर हम खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं, अध सड़ी हुई गोबर की खाद, अध सड़ी हुई कंपोस्ट खाद खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एसिडिक नेचर में होती है। क्यों होती है, ध्यान दीजिए, जो हमने आपको एरोबिक डिकम्पोजिशन पढ़ाया है इस प्रक्रिया में बीच में एसिड बनता है, फिर वो एसिड टूट करके नाइट्रोजन में बदलता है, तो बीच में एसिड बनता है, तो वहाँ एसिडिक, वो एसिडिक नेचर की खाद हो जाती है, तो वो मिट्टी के तो इसका एसिडिक, जो एसिडिक होने का जो फसल पे हानिकारक प्रभाव वो भी देखने को मिलता है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है, 3-4 dSm/m है, तो अगले फसलों में या अगले पौधे में फाइटोटॉक्सिटी देखने को मिलती है, अधिक साल्ट्स की फाइटोटॉक्सिसिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है मतलब साल्ट लेवल ज़्यादा है, तो साल्ट फाइटोटॉक्सिसिटी पौधे में देखने को मिलती है। हाई पोटेशियम कंटेंट भी है क्रॉप रेसिड्यू में, जिससे कि हमारी फसल की जड़ें जल जाती हैं तो उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये सारा प्रभाव है उस कचरे का जो पूरी तरह से सड़ा नहीं, हमने खेत में इस्तेमाल कर दिया, यही प्रभाव। ये तो यहाँ पर बात हमने कर दी, जब हम खेत के बाहर लेके कचरा सड़ा रहे हैं, कंपोस्ट में बदल के वापस उसको खेत में डाल रहे हैं, तो अगर हमारा पास पूरी तरह सड़ा हुआ कचरा नहीं है तो इस फसल को उस तरह के नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम ऑन फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ये भी तो कचरा सड़ा हुआ नहीं है ना, ये तो हमने खेत में मिक्स कर दिया, अब ये खेत में सड़ना है, वही प्रक्रिया जो कंपोस्टिंग हमारी हीप में होती है वो खेत के अंदर हो रही है, उसको भी समय लगता है। तो अगर हमने सब इसको इनकॉर्पोरेट किया और तुरंत फसल बो दी तो अगली फसल में फिर वो सारे जो लक्षण हम बता रहे हैं कि जड़ें जल सकती हैं, फाइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो सकती है, पौधा मर भी सकता है, वो चीज़ इसमें भी हो सकती है। इसीलिए ऑन फार्म मैनेजमेंट अगर खेत में ही कचरे को सड़ाना है तो हमारे को एक महीने का समय चाहिए मोटे तौर पे। अगर वो समय नहीं मिलता है इसीलिए किसान क्या करते हैं कि वो जला ही लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है कि जला दिया तो कम से कम अगली फसल बोने के लिए खेत तैयार तो हो गया। तो ये सब नुकसान अगर कचरा पूरी तरह से कंपोस्ट में बदला नहीं है तो यह नुकसान पौधों को होता है, और अगर कचरा पूरी तरह से कंपोस्ट में बदल गया है तो ये फायदा पौधों को होता है जो हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये तो हो गई कंपोस्ट की बात, कचरे का एक प्रबंधन, फसल अवशेष का एक प्रबंधन का जो हमारा तरीका है वो है मल्च, पलवार करना खेत पर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फोटो में भी दिख रहा है कि जो हमारी पुआल है उससे हमने मल्चिंग कर रखी है खेत में। मल्चिंग गीले कचरे से नहीं की जा सकती है, मल्चिंग हमेशा सूखे कचरे से ही की जाती है।
नहीं तो अगर ये इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मल्च, और नहीं तो इसके अलावा पेपर मल्च और प्लास्टिक मल्च का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मल्च। यह सूखे कृषि कचरे से हम मल्चिंग करते हैं। इस मल्चिंग से क्या फ़ायदा है, मिट्टी में नमी संचित होती है, खरपतवार नियंत्रण में रहता है, और ये जो पौधे हमने लगाए हैं सब्जियों के, इनमें जड़ों की अच्छी वृद्धि होती है और हमें पौधों में भी अच्छी वृद्धि मिलती है। तो मल्चिंग करने से भी पौधों को, कृषि कचरे का प्रबंधन भी हो गया। देखिए कृषि कचरा वहीं का वहीं रह गया, ऑन फार्म मैनेजमेंट है ये, वहीं का वहीं रह गया, पूरे खेत में मल्च के तौर पर डाल दिया और हमने अगली फसल की बुआई कर दी, सब्जी लगा दी यहाँ पर। अब ये फसल मल्चिंग इस फसल की वृद्धि में सहयोग ही कर रही है, बढ़ा रही है। ये मल्चिंग अभी पूरी तरह से सड़ती नहीं है। अब आप कहेंगे साहब ये तो बिना सड़ा का हुआ कचरा है, ये न्यूट्रिएंट ले लेगा सवाल से, और जो नुकसान वाले बात आप बता रहे हैं वो लेकिन यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये पूरी तरह से जो ये जो कच्चा कचरा है हमारे पास, ये तो मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ है। हमने आपको बताया क्यों इनकॉर्पोरेशन हमने किया था कृषि कचरे का मिट्टी के अंदर, क्योंकि ऊपर ये हवा के संपर्क में तो है, लेकिन ऊपर सूक्ष्म जीव नहीं है, सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर मौजूद है। अगर हम इसको हम मिट्टी में मिला देंगे तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन ये तो ऊपर पड़ा हुआ है, हवा के संपर्क में है, सूक्ष्म जीव अभी काम नहीं कर रहे, ये सूखा भी है, पानी भी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से इसकी जो तह या जो सतह, जो परत मिट्टी के सीधे संपर्क में है, तो ये कंजर्व मॉइस्चर, ये नमी का संचय करती है। तो वहाँ नमी हो गई, जो सीधे रूप से मिट्टी के संपर्क में है वहाँ पे सूक्ष्म जीव काम करने लगे, तो वहाँ डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया। ये फायदा है मल्चिंग का, फायदा ये है कि वो धीरे धीरे सतह पे ही डिकम्पोज होंगे और फिर मिट्टी में मिलेंगे। तो इन पौधों पे नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि पौधे की जड़ें तो नीचे जा चुकी हैं, यहाँ डिकम्पोजिशन सिर्फ सतह पर ही हो रहा है, और सतह पे डिकम्पोजिशन होने के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है वो अब नीचे जा रहा है, या वो भी सतह पे ही है बेसिकली। तो अब अगली फसल में जब हम जुताई करेंगे तब नीचे जाएगा, तो अगली फसल को फायदा देगा। तो ये इस तरह से अध सड़ा का, ये बिना सड़ा हुआ कचरा मल्चिंग के तौर पर अगर इस्तेमाल करें तो वो वाले नुकसान जो हम आपको पार्शली रॉटेन डीकम्पोस्ट का बता रहे हैं वो यहाँ फसलों के नहीं है। ये मल्चिंग का फायदा यहाँ पर, ये मल्चिंग है, ये इनकॉर्पोरेशन नहीं है, ये केवल सतह पर बिछा रखा है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि कभी क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की मिट्टी में एंट्री को रोक देता है, मिट्टी में ऑक्सीजन कभी कम पड़ती है, ये कुछ नुकसान है। ये कुछ ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिक मल्च होते हैं जो कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो कीड़े का प्रकोप भी बढ़ सकता है फसल में। तो ये स्ट्रॉबेरी की फसल दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये पहली फोटो में हम देख रहे हैं। ये जो स्ट्रॉबेरी की फसल है, ये पुआल के जो धान का क्रॉप रेजिड्यू है, फसल अवशेष है, उसको मल्च के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, स्ट्रॉ को मल्च के तौर पर इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर फसल होगी। असल में इसका नाम स्ट्रॉबेरी पड़ा ही इसलिए है, बेरी तो फल का नाम है, पौधा जो है वो रनर टाइप का पौधा है, रनर है तो मतलब इसमें जो बेरी बनती है वो मिट्टी के टच में रहती है और वो ख़राब हो जाती है। तो इसको स्ट्रॉबेरी लगाने के बाद पूरी तरह से स्ट्रॉ खेत में बिछा करके मल्चिंग कर दी जाती थी, और ये स्ट्रॉबेरी का पौधा ये मल्चिंग के ऊपर ही बढ़ता था, फूल आ गए हैं इसमें, फल आने के बाद ये जो बेरी है, ये फल है, ये सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आते थे और ये स्ट्रॉ के ऊपर रेस्ट करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी खेती स्ट्रॉ के बिना होती नहीं थी, लेकिन स्ट्रॉ मल्च पर खेती होती थी, और स्ट्रॉ मल्च इट हार्बर इंसेक्ट, कीड़ों का प्रकोप को ये बढ़ाता है। तो ये समस्या किसानों को आती थी। तो अभी स्ट्रॉ मल्च का इसलिए ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि इसका उपयोग धीरे धीरे घटता जा रहा है और सब प्लास्टिक मल्च में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी स्ट्रॉबेरी की खेती प्लास्टिक मल्च के ऊपर हो गई। ये मेरा दोस्त फार्मर है सत्येंद्र कुमार, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में इसका खेत है, 9 लाख रुपये फायदा कमाया इसने 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी से, योगी आदित्यनाथ के नाम पुरस्कार भी पा चुका है। लेकिन स्ट्रॉबेरी की पूरी खेती अब प्लास्टिक मल्च पे होने लगी है, लेकिन हाँ मल्च के तौर पे स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बात हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो आज के हमने लेक्चर में ये सीखा कि अच्छे गुणवत्ता का कंपोस्ट और ख़राब गुणवत्ता का कंपोस्ट कैसा होता है, अच्छे गुणवत्ता का कंपोस्ट इस्तेमाल किया जाए तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिल जाएंगे,
और गुणवत्ता अगर अच्छी नहीं है कंपोस्ट की तो हमें उसका नुकसान देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि पौधा मर भी जाता है। दूसरा हमने देखा कि हम फसल अवशेष का मल्च के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, और ये फसल अवशेष का मल्च के तौर पर प्रयोग करना यह भी एक फसल अवशेष के प्रबंधन का एक बहुत अच्छा रास्ता है। इसको और समझने के लिए आप ये दो आर्टिकल पढ़ सकते हैं, कंपोस्टिंग पैरामीटर्स एंड कंपोस्ट क्वालिटी, ए रिव्यू, ए लिटरेचर रिव्यू, ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके जर्नल है, इसके वॉल्यूम 8 नंबर 2 में छपा हुआ है। ये इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी में छपा हुआ पुराना आर्टिकल है, एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मल्चेस ऑन कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर इन कॉटन। थैंक यू वेरी मच।